भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। ये साधना कैसे की जाती है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस उद्देश्य से ये साधना की जाती है और साधना के क्या नियम है, तो हम आप लोगों के साथ बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हमारी बताई गई जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो पाएगी। कर्ण पिशाचिनी एक अनोखी साधना है। इस साधना को व्यक्ति स्वयं कभी नहीं संपन्न कर सकता, उसे किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखा जा सकता है। स्वयं करने से इसके नकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। ऐसा वह कैसे करता है, यह एक सहज सवाल है। वास्तव में इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस साधना में ऐसी शक्ति का प्रयोग होता है जो मनुष्य नहीं है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बताती है। मृत्यु के उपरांत एक सामान्य व्यक्ति अगर मुक्ति न प्राप्त करे तो उसकी क्षमताओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रमाणिक है और हर व्यक्ति को ये चेतावनी दी जाती है कि अनायास इसको कभी भी अजमाने की कोशिश न करें, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। यह एक बड़ी अनोखी साधना है कर्ण पिशाचिनी। इस साधना को व्यक्ति कभी सिद्ध कर ही नहीं सकता, इसके लिए सिद्ध गुरु की देखरेख में सानिध्य में ही करना चाहिए और यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इसमें हाथ ही मत डालिए, क्योंकि हमारे बताने का जो उद्देश्य है हम आप लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं और साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप इसे कभी कोशिश मत करना। साधना की छोटी सी छोटी गलती आपके जीवन को भारी पड़ सकती है। कर्ण पिशाचिनी मंत्र के 7 प्रयोग हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक प्रयोग बताएंगे। यह प्रयोग निरंतर 11 दिन तक किया जाता है। सर्वप्रथम कांसे की थाली में सिंदूर का त्रिशूल बनाएं। इस त्रिशूल का दिए गए मंत्र द्वारा विधिवत पूजन करें। यह पूजा रात और दिन उचित चौघड़िया में की जाती है। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 1100 मंत्रों का जाप करें। रात में भी इसी प्रकार त्रिशूल का पूजन करें। घी एवं तेल दोनों का दीपक जलाकर 1100 वर्ण मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करने के बाद कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। तत्पश्चात किसी भी प्रश्न का मन में स्मरण करने पर साधक के कान में पिशाचिनी सही उत्तर देती है। अब इसमें जो सावधानियां हैं, एक समय आपको भोजन करना है, काले वस्त्र धारण करें, स्त्री से बातचीत वर्जित है साधना काल के दौरान, मन कर्म वचन की शुद्धि रखें। तो मंत्र क्या है वो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतारवतर अतीता नागत वर्त मनानि दर्शय दर्शय मैं भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र को हम डिस्प्ले पे भी दिखाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इस मंत्र को अज्ञानता बस आजमाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय एवं दुर्लभ मंत्र है। इसे किसी सिद्ध पुरुष या प्रकांड विद्वान के माध्यम से ही किया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने में अगर मामूली सी त्रुटि भी होती है तो इसका घोर नकारात्मक असर साधक के ऊपर पड़ जाता है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि तंत्र मंत्र द्वारा अलौकिक शक्तियों भरपूर एक स्त्री रूपी शक्ति है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध साधक के वश में होते ही
वर्तमान और भूत भविष्य के विषय में होने वाली घटना के विषय में बताने लगती है। साधक की सभी प्रकार की परिस्थितियों से अवगत कराती है और भविष्यवाणी भी करती है। इस सिद्धि के बाद व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्ति की इच्छाएं पूर्ण होने की शक्ति आ जाती है। इस साधना के सिद्ध होने के बाद पिशाचिनी शक्ति जो एक स्त्री के रूप में होती है, वह साधक के कान में उसके प्रश्न का उत्तर देती है। मंत्र सिद्ध होने के बाद पिशाच वशीकरण होता है, जिससे कोई आत्मा आकर सही जवाब आपके कान में देती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि पारलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की अत्यंत गोपनीय विद्या है और अनायास में इसमें न उलझे। इसकी दो साधना है, एक वैदिक साधना है, एक तांत्रिक साधना है। यह साधना एक प्रकार की त्रिकालदर्शी साधना होती है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसको करने के लिए 11 से 21 दिन का समय होता है। इस साधना को करने के लिए व्यक्ति के अंदर आस्था, विश्वास और असहजता को सहन करने की अटल व अपार क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह साधना सामान्य विधि से करना असंभव होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना कई प्रकार से की जाती है। साधना के मंत्र भी अलग अलग हैं। इससे वैदिक और तांत्रिक दोनों रूपों से किया जाता है। यह गुप्त त्रिकालदर्शी साधना होती है। तो जो तांत्रिक रूप से किया जाता है, उसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच चमम वचन दे स्वाहा। कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए काले वस्त्र धारण करें। साधना के समय किसी भी प्रकार का कोई बातचीत न करें। इस साधना में निराहार रहना जरूरी है, या फिर दिन में केवल एक ही बार भोजन करें, वो भी बहुत थोड़ा। विशेष बात यह है कि इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की स्त्री से संबंध नहीं रखना है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की गलती आपके लिए भारी नुकसान दे सकती है। हालांकि यह सिद्ध कठिन है, परंतु दुसाध्य नहीं है। मंत्र जाप द्वारा इस सिद्धि को 11 से 21 दिन में की जाती है। इसे किसी तांत्रिक के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, या साधना कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं कर सकता है। इस साधना के लिए कुछ प्रयोग हैं। तो दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी साधना यह एक अलग ही साधना है। यदि आपके अंदर कर्ण पिशाचिनी साधना को सक्षम कर ले जाने की शक्ति आ गई, या आप कर्ण पिशाचिनी साधना को संपन्न कर ले गए, तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमेशा आपको अगले, पिछले, भविष्य में आने वाले अच्छे बुरे सभी के बारे में आपको जानकारी देते रहेगी। और यह साधना उचित चौघड़िया में ही की जानी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।